भाजपा मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय के लिखे भारत के नए संविधान संबंधी लेख की चौतरफा निंदा की जा रही है। एससी एसटी और ओबीसी समाज इसे मनुभा से ग्रसित मानसिकता का प्रमाण मान रहे हैं। भारत में दलितों की नेता और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बसपा मुखिया मायावती ने इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि नए संविधान की वकालत करना उनके अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है। केंद्र सरकार को इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जनता की माने तो यह लेखनी किसी देशद्रोह से कम नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित बाल कल्याण पुष्ट आहार मंत्री उत्तर प्रदेश पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने मनुभा से ग्रसित और संविधान बदलने की वकालत करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। बात की बाबा साहब ने महिलाओं को एक सम्मान दिया, मुक्ति का रास्ता दिखाया, आज संविधान को बदलने के लोग बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई संविधान को नहीं बदल पाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, वो ही चलेगा देश में। जो लोग बात करते हैं वो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं बदलेगा। आर्थिक सलाहकार परिषद चेयरमैन का लेख भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। भले ही देश प्रदेश में मनुवाद ने पैर पसार लिए हों, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी की माने तो भीमा कोरेगांव और एससी एसटी एक्ट की लड़ाई लड़कर इतिहास लिखने वालों की संतान अभी जिंदा है। समतामूलक समाज, मानवतावादी और समान अधिकार प्रदान करने वाले संविधान को बदलने की सोच रखने वालों को ही बदल दिया जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।